आपका दोस्त उमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों लेकर के आया हूँ एक नई न्यूज जिसको लेकर के जिसकी एग्जाम तिथि अभी अभी घोषित हुई है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन फरवरी में जाकर के एग्जाम है और प्रॉब्लम ये चल रही है कि इस एग्जाम को कैसे पास किया जाए, क्योंकि इतने दिन अपन आराम से बैठे थे कि पता नहीं एग्जाम कब तक होगी। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी जीडी की, जिसकी एग्जाम तिथि आ चुकी है और उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन कि इतने ही दिनों में हम कैसे एग्जाम पास करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जितनी पोस्ट है उससे कई गुना ज्यादा फॉर्म लगाए गए हैं, तो आपको इस चीज में कुछ अलग लेकर के कैसे चलना है कि हम उस चीज को पास कर सके। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ, ठीक है, कि हर एक एक स्टेप को अपन कैसे लेकर के चलेंगे। दूसरी बात, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपका स्वागत है दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी जिसकी जो आपकी पोस्ट थी वो थी आपकी 54,953 समथिंग पोस्ट थी, आपकी जो पोस्ट थी इसकी, ठीक है, 54,953 समथिंग पोस्ट थी, ठीक है। इसकी एग्जाम डेट आ चुकी 11 फरवरी से 2019 इसकी एग्जाम स्टार्ट होगी, 11 मार्च 2019 तक इसकी एग्जाम चलेंगी, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट रखे गए थे वो क्या क्या रखे गए थे, यहाँ पे इनकी तैयारी कैसे चलनी, कितने नंबर का पेपर होगा, किस तरीके से आपको कौन से एग्जाम को, कौन से सिलेबस को, कौन से किस चीज को किस तरीके से लेकर के चलनी है, इसके बारे में बात करें कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, एग्जाम सभी देते हैं, ठीक है, जिसने फॉर्म लगाया हो एग्जाम देने जाएगा, लेकिन आपको अलग मेंटेलिटी रख करके एग्जाम देनी है। आप क्या अलग कर सकते हैं कि आप दुनिया के बीच से अलग निकल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, इसमें आपको अच्छे से पता है कि इन पोस्टों के आधार पर पिछली बार जो पोस्टें निकाली गई थी वो पोस्टें थी आपकी 62,000 समथिंग थी, ठीक है, पोस्टें थी आपकी 62,390 पोस्टें थी, और अभी आपकी जो पोस्ट है 54,953 पोस्टें हैं। अगर आपने राजस्थान से फॉर्म लगाया है, कहीं से भी लगाया है, मतलब वहां अप्लाई में नहीं पूछा गया था कि आप कौन से स्टेट से फॉर्म लगा रहे हो, लेकिन यहां पे जो कट ऑफ जाती है पिछली बार की जो शो कर रखी है, पिछली बार की कट ऑफ आपको स्टेट वाइज जैसे कौन से स्टेट की कितनी वैकेंसी वो कैसे निकलती है, कितने कैंडिडेट उस स्टेट से फॉर्म लगाए, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिए, कितने कैंडिडेट का वहां पे क्या स्कोर, उस आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोस्तों अगर आप किसी मेरिट लिस्ट वगैरह में पिछले साल की क्या रही थी, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा। तो अभी बात करता हूं कि आप इस एग्जाम को कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपकी चार सब्जेक्ट है, जो आपके सब्जेक्ट है वो चार सब्जेक्ट है। उन चार सब्जेक्टों में क्या क्या है, पहले मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, इसको बोला जाता है सामान्य अध्ययन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, 25 क्वेश्चंस इसके आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 25। फिर बात करता हूं मैं, ये आपका पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट मैं बात कर लेता हूं आपकी हिंदी की, जो कि इसे आप जनरल हिंदी कहा जाता है, जनरल हिंदी है, जिसे सामान्य हिंदी आमतौर पे कहा जाता है। सामान्य हिंदी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके 25, ठीक है, 25 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका थर्ड पार्ट आता है आपका रीजनिंग का जो आपका पार्ट रहेगा वो भी आपका, मतलब जिसे बोला जाता है तर्क शक्ति, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 25। और फोर्थ पार्ट होता है आपका मैथ का, जिसे गणित बोला जाता है, आम भाषा में आप बोलते हैं गणित। ये तो आपको सबको पता होगा सर, कोई नई चीज थोड़ी बता रहे, ये तो हमें भी पता है दोस्तों, ये तो आपको बताते कि टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको, जैसे कई वीडियोज में या फिर कई चैनल्स में आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि ये क्वेश्चन है वो दो नंबर का होगा, तो आपका ये 50 का, ये 50 का, ये 50 का, 50 का, अगर दो का होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक का होता है तो भी बात तो वही पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो 25, एक का ये तो 25,
एक का है तो 25 और एक का है तो 25, मतलब आपके टोटल नंबर कितने होते हैं, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है। अगर एक क्वेश्चन दो नंबर का हो तो बोर्ड डिसाइड करेगा किस तरीके से उसको करता है, तो ये 200 नंबर हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब पॉइंट बनता है अपना किस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। दोस्तों मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम देने सभी बैठेंगे, आप अपने माइंड में कुछ एक पहले कोई भी प्लानिंग होती है, आप कहीं पे जाते हैं पहले प्लानिंग करते हैं ना, किसी शादी में जाना है मुझे यार, वहां जाना है, ऐसे एंजॉय करना है, मुझे डांस करना है, उससे पहले से आप प्रिपरेशन करते हो कि आप किसी नए सॉन्ग पे डांस करते हो, उस चीज को पहले प्रिपेयर करते हो ना। पहले अपने माइंड में 2 महीने का टाइम आपके पास पूरा का पूरा, ज्यादा भी नहीं, अभी से अगर आप लेकर के चलते हो ठीक है। और ये भी हो सकता है किसी का मार्च में एग्जाम है तो पूरा 2 महीने का है, किसी का फरवरी में ही है तो आप 2 महीने भी मत लेके चलिए, आप ये सोचिए चलिए सिर्फ आपके पास 1 महीना है। आप 2 लेकर के चलोगे आपके माइंड में रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप ये सोचिए आपके पास 1 महीना है, वो लास्ट के 10 से 11 दिन आप सिर्फ रिविजन के लिए रखिए। आपको इस 31 जनवरी तक आपको क्या करना है, देखिए पहले क्राइटेरिया सेट कीजिए आप, इसमें जो आपके सामान्य अध्ययन में 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 25 और रीजनिंग में आपके 25 और इसमें 25। अब देखिए यहाँ पे आपके सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आपको 25 क्वेश्चन है, क्या 25 के 25 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि आप जीके कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जीके का कोई एंड तो है नहीं कि अपन जीके पूरा कर पाए। तो पहले तो मैं आपके एक पावरफुल सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट्स को आप पावर बना करके चल सकते हैं, जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं, वो कौन से 2 सब्जेक्ट है पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। 2 सब्जेक्ट है मेरे जनरल हिंदी और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट में मेरे प्यारे दोस्तों आप जितने चाहो आप उतने नंबर कवर करके चल सकते हैं, जनरल हिंदी में और इसमें सामान्य अध्ययन में। ये जो आपके दोनों सब्जेक्ट है इन दोनों सब्जेक्ट में कैसे करेंगे आप, देखिए जैसे कि आप सामान्य अध्ययन में 25 क्वेश्चन, एक बात बता दूं मैं, जो गलती आपने दिल्ली पुलिस में की थी, राजस्थान पुलिस में की थी या अदर भी कोई स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी होगी उनमें आपने जो गलती की थी यहां मत करना, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन थे अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे तो 50 में से आपके 35 से 40 क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन बन रहे थे, और राजस्थान पुलिस में भी बैभाग में लोग पास भी नहीं हो पाए थे, यही सिचुएशन आपकी यहाँ बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पुराने जीके को कहीं रटने में लगे हुए हैं उसको ना रटे, आप ध्यान दीजिए कि 25 क्वेश्चन में से आपको ज्यादा भी नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप करंट को साथ लेकर के चलेगा जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए 25 में से अगर आपने करंट जी के अच्छा पढ़ा तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आप ये तैयार करके चलिए। ओल्ड जी के आपको जितना भी होता है हिस्ट्री वगैरह जितना अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो आपको नहीं आ पाते, लेकिन आप बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपके 7-8 के बाद में भी आपके जो जितने भी क्वेश्चन बचते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके या 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 25 में से आपके कितने 27 से 28 क्वेश्चन मान के चलिए कि जो कि आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उन 27 से 28 में से आप ये मान के चलिए कि आप ज्यादा भी नहीं अगर उसमें से 10 क्वेश्चन और कर देते हैं ठीक है। जीके में अगर आप 15 से ऊपर जा रहे हो ना, 15 से 20 के बीच में हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, माइनस अभी नहीं करवानी, चलिए माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी इस चीज को आप माइंड में मत आने दीजिए, अगर आपको ये लग रहा है माइनस मार्किंग नहीं तो तुक्के मार देंगे, तो ये सबसे बड़ी सोच आपकी गलत सोच है। देखिए यहाँ पे आपके आप ये चलिए कि जीके में आप कितना भी कर लीजिए, अगर आप 15 से 20 नंबर के बीच में चल रहे हैं ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 15 से 20 नंबर तक आपको ये करने ही करने हैं, 20 नंबर तो आप आराम से इसमें लाएंगे, लेकिन 20 से ऊपर अगर आप और अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें 15 से 20 नंबर के बीच में 35 में से 15 क्वेश्चन छोड़ दें, सॉरी 25 में से अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में चल रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, इसके आगे करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 15 तक भी सेफ जोन में चल रहे हैं ना तो आप 15 तक ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं 25 में से तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर लेंगे। ये होने के बाद 15 ये है पहले जो हाईएस्ट चल रही थी, उसके बाद आप मैथ की बात करते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन कोई कमजोर स्टूडेंट भी होते हैं क्योंकि मैथ अच्छी नहीं होती, आप 10th लेवल पे भी कई बार एग्जाम देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 25 में से आप ज्यादा भी नहीं तो 10 क्वेश्चन तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10 क्वेश्चन मैथ में कर सकें, 10 क्वेश्चन आपके मैथ में हो गए, मतलब यहाँ पे 15 करते हो, मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ, चलिए मैं 17 क्वेश्चन ये मान लेता हूँ जीके के और 10 क्वेश्चन, अगर आप 10 से इसमें 15 के बीच में जाते हैं, मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि इसमें आप 12 क्वेश्चन आप मैथ में कर लेते हैं, आगे करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप ये स्कोर तो आपको जा करके करना ही है। उसके बाद में आपके पावरफुल सब्जेक्ट जो आपको नंबर दिलाएंगे वो कौन से, 50 नंबर में से आप देखिए 50 नंबर में से आप कितना ला पा रहे हैं, यहाँ पे 29 नंबर ला पा रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप 29 नंबर ला पा रहे हैं, मतलब 30 एवरेज मान करके चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे 50 नंबर में से आप ये कोशिश करके चलिए कि आप 45 समथिंग नंबर ला सके, क्योंकि यही आपका स्कोर करेगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 क्वेश्चंस का आएगा, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का आएगा। इस 25 में से आप 24 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इसमें आप 24 नंबर आराम से ला सकते हैं, 25 आउट ऑफ 24 कैसे लाएंगे? या तो आपके पास कोई भी अच्छी सी बुक होगी दोस्तों, उन बुक्स को नहीं कि आपके वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते। अगर आप चाहें रीजनिंग के नोट्स से पढ़ना तो मैंने रीजनिंग के नोट्स मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज में आपको इसके जो नोट्स हैं वर्बल के हैं, नॉन वर्बल के अभी अपलोड नहीं किए हैं, वर्बल के आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आप उनको पढ़ के जाइएगा और उनको जो मैंने एनालॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी है उन नोट्स में, उनको रट के जाना आराम से, क्योंकि एनालॉजी के आपसे 7 से 8 क्वेश्चन एनालॉजी में बनेंगे, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे, श्योरिटी के साथ रिपीट होंगे। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये जो टॉपिक है मिनिमम 10 से 15 नंबर तो ये 4 से 5 नंबर आपको दे जाएंगे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन होगा जो 2 से 3 नंबर ये देखे जाएगा। उसके बाद में आपका लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम और सिलॉग्स, ये जो टॉपिक है ये आपका आराम से अच्छे नंबर आपको 2 से 5 नंबर के बीच में, तीनों टॉपिक में से 5 क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। एक फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप एक बेस बना के, क्योंकि रीजनिंग आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा। आपको पूरा का पूरा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवा रखे, आप उन्हें 99 रुपीज में डाउनलोड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, पेटीएम, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी क्लास भी होती है जो अभी तक कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर रखी है, जैसे ही आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी क्लास रीजनिंग की जो 9 से 10 आपकी रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। ये आपकी 25 नंबर की रीजनिंग, उसमें से आपको रीजनिंग में आपको 29 नंबर ये हो रहे थे आपके इसके जीके के और मैथ के, आपको रीजनिंग में 24 नंबर तो आपको रीजनिंग में लेकर जाने चले, 24 कोई अच्छा नहीं कर पाता है, तो आप ये तो अंदाजा मान के चले कि आपको 23 क्वेश्चन करने ही है, ठीक है। उसके बाद आपकी हिंदी आती है, हिंदी में आप ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा संधि समास और इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते। आपको डर रहता है कि संधि समास इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस लेवल के बनेंगे, आपको पता है कि पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसी वाक्य का शुद्धिकरण पूछ लेगा, किसी वाक्य को ऐसे लिखा जाता है जिसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्यादा टेंशन ना ले, आप चाहे तो हिंदी में से 25 में से आराम से 22 से 23 के बीच में कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ 22 नंबर आते तो 45 नंबर आपके लिए होते हैं, ठीक है। 45 नंबर, 29 आप इसमें माना चलिए, मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि जीके और आप इसमें कितना मैथ में आप 30 नंबर इसमें ला पाते हैं, तो यहाँ पे 30 नंबर और एड करता हूँ तो आपका जो टोटल बनता है, ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, आपका जो टोटल बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल आपका आपने मैथ प्लस जीके, मैथ प्लस जीके में आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, टोटल 30। आप कैसे भी लाओ लेकिन आप कितने नंबर ला रहे हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे आप जीके में चल रहे हो, जीके में आपके हो सकता है साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, तो आप साइंस भी पढ़ के चलिए, ठीक है। और आपके कंप्यूटर के भी एक दो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, फिर आप उससे लड़ने थोड़ी जाओगे, भाई ये तो बोला नहीं था, लेकिन साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे, जनरल साइंस के तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको रीजनिंग और प्लस आपको हिंदी में आपको ये स्कोर लेकर के चलना 45, आप इस तरीके से चलते तो आप 75 के स्कोर पे होते हो। उसके बाद में 75 पे लेके चल रहे हो तो अंदर से एक अलग से, जैसे आप इतने क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आपकी माइनस मार्किंग नहीं है तो उसके बाद आप तुक्के मारने, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने। उनमें से अगर आप 25 क्वेश्चन में से तुक्के मारते हो, अगर आपके 5 क्वेश्चन भी तुक्के लग जाते हैं, आपका माइनस तो हो ही नहीं रहा ना, आप 80 नंबर पे जा रहे हैं, जो कि आपका स्कोर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, आप 75 तो आपका एक सिक्योर वाला स्कोर बता रहा हूं कि आप आगे तक जा सके, क्योंकि पिछली बार राजस्थान की कट ऑफ ज्यादा थी, अदर स्टेट की जैसे पौंडीचेरी वगैरह की थोड़ी सी कम थी। आप देख सकते हैं कि एक स्टेट तो ऐसे था कि जहां पे 36 नंबर की कट ऑफ गई थी, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा किस क्राइटेरिया से आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चीज को आप पढ़ो। दूसरी बात, अगर आपको बुक की नीड हो कि आप सर हम कौन सी बुक लाके पढ़े, लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, अगर वहां पे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा FB, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं विद इन वन डे आपसे आपको रिप्लाई करूंगा। FB पे अगर हुआ तो मैं हो सकेगा तो आपको मैसेंजर पे कॉल करके भी आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी पे 4 चांद लगा दीजिए, लास्ट मौका हो सकता है, क्योंकि सब उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।